हाँ यस बोलिए सर, काम तो ठीक है, आइए बैठिए बोलिए, क्या काम था? सर एक्चुअली मेरा नाम अश्विन दुर्गे है, मेरा रहना जरीपटका में है। ओके तो अभी मैंने एक प्लॉट लिया हूँ, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ वर्क करना है। अच्छा, मेरे ब्रदर है, उन्होंने आपके कुछ वीडियोस देखे, उन वीडियोस के बाद में आपका रेफरेंस मुझे मिला। ओके तो मुझे ऐसा लगा कि आपसे कुछ डिस्कशन करूँ कि घर कैसे बनाना चाहिए। अच्छा, उस बात पर आप कुछ हमारा मार्गदर्शन करिए। ठीक है ना, आपका प्लॉट नाम एग्जैक्टली? सर मेरा प्लॉट है कोराडी रोड, प्लॉट पे बांजरा नाम की जगह है। अच्छा, वहाँ पे जस्ट दो गली पीछे में प्लॉट। ओके ओके, आप एक काम करिए, आपका प्लॉट का जो डिस्क्रिप्शन है वो, दूसरा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये आप मुझे एक बार बता दीजिए, तो उस हिसाब से मैं कैसे आपको कोटेशन पहले बता देता हूँ एग्जैक्टली कितना अमाउंट। रिक्वायरमेंट में सर क्या मतलब, समझा नहीं। जैसे कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे कितना बनाना है, एक रूम होना, दो रूम होना, टॉयलेट कितने होना, ये सब कुछ, या कार पार्किंग आपको देना है, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ बनाना है, यानी कितने फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है, ये सब कुछ। दूसरा आपका बजट कितना है करके, तो क्या है उस हिसाब से मैं आपको फीस मेरी जो है वो मैं आपको बता पाऊंगा, और आपको जो भी मेरे से सर्विसेज चाहिए वो मैं आपको उसमें ऑफर करूंगा। अच्छा, तो सर मेरा जो प्लॉट है 30x50 का है। अच्छा, और उसका जो फेसिंग है वो साउथ फेसिंग है। ओके, तो इसमें क्या पॉसिबल है, मेरा बजट मतलब कैसा है, मेरा लोन का प्रॉब्लम है सर। अच्छा, तो मुझे 25-30 लाख का सैंक्शन हो सकता है, तो इस 25-30 लाख के बजट में आप जो बेस्ट हो सकता है वन का बनाना है कि टू का? वो हमें सर अभी वो डिसाइड करने की कि 25-30 लाख में मतलब क्या बना है। 25-30 लाख में कैसा है कि आपका अगर आप पूरा फिनिशिंग के साथ G+1 का घर बनाते हैं तो आपको मिनिमम 30 लाख की कॉस्ट तो उसमें जाएंगी जाएंगी, क्योंकि सिविल की जो कॉस्ट है वही 21-22 लाख रुपये जाने वाली है। अब उसके बाद में आपको घर में टाइल्स लगाना है, पेंटिंग करना है, इलेक्ट्रिक का काम करना है, प्लम्बिंग का काम करना है, तो वहाँ पे आराम से जो है बजट है वो आपका 30 लाख का क्रॉस होगा। अच्छा, अगर मुझे अगर ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग बनाना है। हाँ, और डुप्लेक्स टाइप में स्टेयरकेस ऊपर ले, सर आपका बजट बढ़ जाएगा, और फर्स्ट फ्लोर बनाना है उसमें आपका बजट बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें आपके फिर 3 स्लैब बनने वाली है। अच्छा, नीचे का ग्राउंड फ्लोर आपका पूरा पार्किंग में चले गया, और आप उसके ऊपर पहले और दूसरे फ्लोर पे आप अपना रेसिडेंस बनाओगे तो ऑब्वियसली उसमें फिर बजट आपका इंक्रीज होगा, और आप इंटीरियर वगैरह उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ठीक है सर, अगर अभी ऐसा देखते हैं तो मुझे ग्राउंड पे पार्किंग चाहिए। अच्छा, एक हॉल कम बेडरूम कम पैंट्री जैसा किचन आ जाए। ओके, ठीक है, उसमें अटैच टॉयलेट, ठीक, और साइड में एक स्टेयरकेस तो रहेंगी, बाकी पूरी पार्किंग स्पेस और एक ओपन स्पेस जिसमें आपको एक कॉमन टॉयलेट की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, कॉमन टॉयलेट, या फिर एक काम कर सकते हैं हम कि कॉमन टॉयलेट ही रखते हैं, ना कि अटैच टॉयलेट रखते हैं। ओके, और फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम, एक अटैच, अटैच मतलब इसमें WC और बाथरूम नहीं चाहिए। ओके, आजकल नया आया हुआ है मॉडर्न। अभी के डेट में देखिए सर, अगर जब भी हम लोग को अगर सब कोई मास्टर बेडरूम बनाते हैं तो उसके साथ में एक ड्रेसिंग यूनिट और एक टॉयलेट को हम लोग हमेशा बनाते हैं। ड्रेसिंग यूनिट में क्या होगा कि वार्डरोब और आपका ड्रेसिंग यूनिट सेपरेटली रहेगा, और उस आपको बेडरूम के अंदर में दूसरी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ आपका बेड रखा रहेगा, साइड टेबल और दूसरे चीज़ें रहेंगी, बाकी वार्डरोब से और चेंजिंग से रिलेटेड जो चीज़ें वो आपके ड्रेसिंग रूम में आ जाएंगी, और उसके थ्रू आपको टॉयलेट के लिए एंट्री रहेंगी। तो आपका 2 पोर्शन में वो आपका मास्टर बेडरूम का डिजाइन होगा, जो कि काफी अच्छा लैविश दिखेगा उसमें आपको। अच्छा, मतलब कि बेडरूम में 2 टाइप के स्पेस रहेंगी। हाँ, एक जहाँ बेड रहेगा वो, और दूसरे में टॉयलेट और वार्डरोब। हाँ, तो सर इसमें जगह बहुत चाहिए रहेंगी, मेरा 30x50 का प्लॉट है। तो एक मास्टर बेडरूम बनाने के साथ में फिर आप दूसरी एक्टिविटी आप ऊपर में कर सकते हो ना, आप डुप्लेक्स के लिए बोल रहे हैं, आप जैसे ग्राउंड फ्लोर का आपका पार्किंग रहेगा उसके ऊपर में आप डुप्लेक्स बनाओगे तो उसमें वो इजीली पॉसिबल है। और उसमें कैसा आपका घर का लुक आएगा, आप घर एक बार बना रहे हो तो डुप्लेक्स मतलब सर ये नॉर्मली जो G+1 को इस डुप्लेक्स बोलते हैं, मतलब क्या नहीं, है नहीं, इसका कोई अलग डुप्लेक्स कैसा होगा कि आपका एक ही घर फ्लोर से आपको पता है कि दूसरे फ्लोर के लिए जाने के लिए आपकी पर्सनल एंट्री होगी। अच्छा, मतलब इंटरनल कुछ इंटरनल पर्टिकुलर जो आपका ट्रांसपोर्ट होगा वो इंटरनली होगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग घर बनाते हैं स्टेयरकेस हम लोग बाहर से रखते हैं, ताकि अगर सपोज आप ऊपर का फ्लोर किसी और को भी दे रहे हो। हाँ, तो रेंट के वो डायरेक्टली बाहर के बाहर जा सके, तो जैसा फ्लैट स्कीम में वगैरह होता है, फ्लैट स्कीम में जा सकता है वैसा। अच्छा अच्छा, डुप्लेक्स मतलब आपके 2 फ्लोर का एक सर, इंटरनली तो नहीं चाहिए क्योंकि मेरा एक भाई है। ओके, उसके लिए जाके उसकी शादी वगैरह होगी तो इसलिए थोड़ा फ्यूचर के हिसाब से तो सेपरेट एंट्री चाहिए। अच्छा, तो स्टेयरकेस ब्लॉक एक अलग साइड में रहेगा, एक मेन दरवाजा हॉल में आएगा, उसी टाइप से नॉर्मल टिपिकल। अच्छा, और ज़्यादा बजट भी नहीं रखता, कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है मुझे। Okay. बस एक घर रहने के लिए अभी इतनी
क्या है कि लोन ले रहा हूँ, लाइफ में एक ही बार लूंगा। अब घर बनाना है, मेरे पिताजी ने और मेरे कुछ दोस्तों ने बनाया अपने हिसाब से, ठेकेदार चूज किए ऐसी, और कुछ तो बन नहीं पाया उस हिसाब से जैसा वो सोच रहा था। उसने क्या किया था, यूट्यूब गूगल से ऐसी फोटोज देखा, 3D वगैरह सब दिखाया, और पता नहीं वो क्या आर्किटेक्ट के पास गया नहीं गया, इंजीनियर के पास गया नहीं गया, और डायरेक्ट ही कॉन्टैक्ट करके बना लिया। और फिर व्यू कुछ अलग था और बिल्डिंग कुछ अलग थी। ये चीज़ तो आपके साथ होंगी सर, जब आप कोई भी घर बना रहे हो आप 20-25 लाख के इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपके पास कोई प्रॉपर कंसल्टेंट नहीं है तो आप कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं बना पाओगे। आप जब भी अगर आप घर बनाना चाहते हो, आप सबसे पहले काम क्या करिए, एक अच्छे कंसल्टेंट को हायर करिए जो कि आपको अच्छे ड्राइंग से लेके आपके एस्टिमेट से लेके सारी चीज़ों आपको प्रॉपरली गाइड करे, और हर एक चीज़ की प्रॉपरली ड्राइंग हो, साथ ही साथ जो ड्राइंग बन रही है ऑन साइट वो एग्जीक्यूट हो रही है नहीं हो रही, वो का देखना भी काम एक कंसल्टेंट का काम है। तो अगर आपके पास एक अच्छा कंसल्टेंट है तो आप अच्छी तरीके से आप अपने बिल्डिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हो, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें वो अच्छी तरह से क्वालिटी की बनेंगी और सारी की सारी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो होंगे। तो एक प्रॉपर एक आर्किटेक्ट का एक बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर हम इंजीनियर्स रखते हैं ऐसे तो वो हमको गाइड करेंगे। एग्जांपल ले लीजिए, अगर सपोज आप मेरे पास आए, मैंने ड्राइंग बना के दे दिया, आपने क्या किया, आपने किसी ठेकेदार को हायर कर दिया और उससे बोला कि आप ये घर बनाओ करके, अब उसके पास तो सिर्फ घर का एक नक्शा बना हुआ है, उसको गाइड करने के लिए कोई पर्सन नहीं है, ड्राइंग मैंने बनाया हुआ है तो मुझे पता है कि मैंने वो ड्राइंग किस तरह से बनाया हुआ और क्या सोच के मैं बना रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस ठेकेदार को नहीं पता है, ठेकेदार को क्या है, उसे सिर्फ एक्सकैवेशन गड्ढा खोदना है, कॉलम खड़े करने हैं, स्लैब डालनी है, जुड़ाई करनी है, प्लास्टर करनी है, उसका काम खत्म, क्योंकि मतलब वो उसका काम है। सिर्फ घर बनाने से मतलब उसको घर बनाने से मतलब है, उसको एस्थेटिक और डिजाइन से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन हम लोग हैं। तो आप अगर हमसे प्रॉपरली काम कराओगे तो आपके घर का सर एस्थेटिक का उतना इशू नहीं है, सिंपल ही चाहिए हमें। मतलब एस्थेटिक मतलब क्या है कि आप अगर सपोज आप एक घर बना रहे हो, आपका घर है कि आपका प्रोडक्ट है, आपकी मशीन है, वहाँ पे चीज़ें जितनी अच्छे से कंफर्टेबली रखी गई उसका यूज़ आपको होगा। आप एक बात बताइए कि अगर सपोज आपके घर में बेड लगा हुआ है, बेड के पास में अगर साइड टेबल के ऊपर अगर एक अपना स्विच बोर्ड नहीं रहेगा तो आपको पता है कि सारी चीज़ें ऑपरेट करने के लिए खड़े होकर वापस जाना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें रहती है ना वो जब हम लोग पता है कि प्रॉपरली प्लानिंग करते हैं तब वो काम में आती है। अच्छा, तो एक अच्छा कंसल्टेंट हमेशा पता है क्या करेंगे, आपको सारे के सारे ड्राइंग पहले बना के बता देंगे, तो ड्राइंग के ऊपर मैं आपके पास एक रेफरेंस देगा, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिर आपको साइट के ऊपर में उसे एग्जीक्यूट करना है, इसका आपको अच्छा आइडिया मिलेगा उससे, तो आपको उसमें से क्या एक अच्छी आइडिया मिलेगी। इसलिए कभी भी क्या है कि एक प्रॉपर कंसल्टेंट को आप हायर करिए, उस कंसल्टेंट के ये सर प्रॉपर कंसल्टेंट कैसा, अभी आपके वीडियोस देखा मैंने तो मुझे पसंद है आपके कुछ बिल्डिंग्स आपने दिखाए वहाँ पे और कुछ ट्यूटोरियल्स भी ऐसा कुछ दिखाया थे आपने, तो चीज़ें मुझे पसंद आए इसलिए तो सर मैं आया हुआ आपके। अब मैं रहता जरीबट का, मैं वहाँ से इतने दूर आया सर आपके ऑफिस में, तो चलिए मुझे अच्छा लगा आप इतने दूर से आए, इतना इंटरेस्टेड हूँ इसलिए आया मैं। बट कैसा सर मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस वाले चाहिए, कैसा है सर कि भी मार्केट में बहुत कंसल्टेंट है, कुछ लोग क्या करते कि पैसे ले लेते, ड्राइंग बना लेते और फिर मिलते नहीं, फोन उठाओ तो बिजी हूँ मैं, साइट पे हूँ, मैं रायपुर गया, मैं इधर गया। तो सर कैसा है कि ठीक है प्रोफेशनली चीज़ कोई बात नहीं, पर सर हमें सर्विस चाहिए, मतलब हम जब हमको सेटिस्फेक्शन चाहिए ना। इसमें देखिए मार्केट में अलग अलग तरीके के आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं, अब हर आर्किटेक्ट का उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी अलग अलग फीस रहती है। अब अगर आप देखिए, अगर सपोज आप किसी आदमी के पास में जाएंगे और अगर वो बंदा अगर वो काम पता है अगर 10 रुपये में करता है, आप बोलोगे 5 रुपये में करके दो, तो ऑब्वियसली वो आपको क्वालिटी भी 5 रुपये की देंगे ना। अच्छा, सीधी सी बात है, आप अगर सपोज उसको पूरा 10 रुपये देने के लिए रेडी हो तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग साइट विजिट देगा। अब काफ़ी बार लोगों के साथ ये होता है, मेरे पास भी काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं कि सर आप मुझे एक ड्राइंग बना के दीजिए, एक 3D बना के दे दीजिए, अब उसमें मेरी साइट विजिट नहीं रहती, बट अगर मुझे किसी ने बोला कि सर आप साइट पे आके विजिट करिए तो वो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए तो मेरा टाइम जा रहा है, नहीं जा रहा है सर, हम कभी भी नहीं बताएंगे, पर मतलब कब कब विजिट, मतलब क्या आ रहेगा, मतलब पहले तो सर मुझे तो कुछ आइडिया नहीं इस बारे में, कुछ नॉलेज नहीं है कंसल्टेंट। मैं आपको हमारा जो आर्किटेक्चर का जो फीस कोटेशन वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट जा रहा है तो उसका 4% हमारी कंसल्टेशन फीस रहती है। 4% मतलब आप एक एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर 10 लाख के ऊपर 40,000 रुपए फीस होती है, अगर आपका प्रोजेक्ट 20 लाख का जा रहा है तो 80,000 होंगे, तो भी मेरा प्रोजेक्ट 25 आपका 30 लाख तक में भी जा सकता है, तो एक जो उस हिसाब से हमारी जो कंसल्टेशन फीस बनेगी वो बनेगी 1,60,000 के बीच में। ठीक है सर, ये फाइनल पेमेंट
ये फाइनल पेमेंट नहीं रहती, ये प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रहता है, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना जा रहा है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, और उसमें फिर सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है, जैसे कि हम लोग हमारे साइड से सारे के सारे आर्किटेक्चर ड्राइंग्स आपको बना के देंगे। आर्किटेक्चर ड्राइंग मतलब सिविल आपका जो बांधकाम आप कर रहे हो उस टाइम पे जो जो आपको ड्राइंग लगती है वो सारी ड्राइंग्स, जैसे कि आपका अगर जो ठेकेदार को जो ड्राइंग लगने वाली है उसको लगेंगे सेंटर लाइन ड्राइंग, प्लिंथ ड्राइंग, सेंटर लाइन ड्राइंग, सेंटर लाइन जिसमें पता है कि आपका आपको ऑन साइट गड्ढे कहाँ पे खुदेंगे, अच्छा अच्छा फाउंडेशन का, हाँ वहाँ पे उसके फुटिंग ड्राइंग कहाँ पे बनेंगी, अच्छा अच्छा उसको हम लोग सेंटर लाइन ड्राइंग बोलते हैं। उसके ऊपर में क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर हमें आने के बाद हम लोग एक प्लिंथ फाउंडेशन बनाते हैं, उसको प्लिंथ लेवल ड्राइंग बोला जाता है। ऐसे ही स्लैब की ड्राइंग होती है, आपकी लेंटल की ड्राइंग होती है, अब जुड़ाई के लिए आपको ब्रिकवर्क की आपको ड्राइंग लगेंगी, उसके साथ आपको जो आप ग्रिल जहाँ पे लगेंगे और दरवाजा जहाँ पे रहेगा उसके ओपनिंग्स की आपको डिटेल लगेंगी, तो ये सारे डिटेल हो गया। इसके साथ साथ अब क्या होता है कि जब हम लोग पता है कि सिविल का ठेकेदार का काम करता है तो उस टाइम पे क्या होता है हमको प्लास्टर के अंदर में झरी मारनी पड़ती है इलेक्ट्रिकल की, तो हमें उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल की झरी की जरूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रिकल लेआउट की जरूरत पड़ता है, आपको प्लम्बिंग लेआउट की ड्राइंग की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल मतलब बटन वगैरह स्विच बोर्ड कहां देना है, स्विच बोर्ड स्विचेस बाद में लगेंगे पर आपको उसके पहले आपके स्विच बोर्ड कहां पर लगेंगे तो उसको आपको कंसील करना है, इसके लिए उसकी ड्राइंग में पहले ही बनाने बराबर, नहीं तो बाद में फिर चेंजेस नहीं करते। वो हो गया, हम ग्रिल की डिजाइन बनाते हैं, अगर हम लोग टाइल्स लगा रहे हैं तो टाइल्स का डिजाइन बनाते हैं, अच्छा टाइल्स का भी देंगे आप, टाइल्स का देते हैं क्योंकि वो तो सर टाइल्स में मतलब क्या देंगे, मतलब टाइल्स में जो हम लोग टाइल्स अब टॉयलेट में आप बताइए एक ही कलर की टाइल्स लगती है क्या, आपका जो डिजाइन रहता है उसके हिसाब से टाइल्स लगती है, वैसे अगर तो आपका टाइल्स सिलेक्शन करने आएंगे, ये कंसल्टेंट में हम लोग सिलेक्शन के लिए भी रहते हैं, अच्छा हम लोग क्या करते हैं हम लोग ड्राइंग में आपको बना के दे देंगे, प्लस वीकली हमारे एक विजिट रहेंगी या फिर हम महीने की तीन विजिट रहेंगी, उसमें हम लोग साइट पर जाकर चेक करेंगे, प्लस उसके अलावा आपको अगर मटेरियल सिलेक्शन के लिए आपको जो भी कंसल्टेशन चाहिए वो हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे आपको, तो ये एक सारा का सारा एज एन कंसल्टेंट का काम रहता है जो हम लोग हमारे उस सर्विस का पार्ट है, 4% की सारी चीज़ें आती हैं उसमें। तो सर सबसे पहले मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, मतलब आपको तो सबसे पहले आपको जैसा मैं आपको कोटेशन दे दिया है आप अपना उस पर वर्कआउट करिए, और आपको जब भी काम स्टार्ट करना है आपको पहले 25% आपको पहले पेमेंट आपको एडवांस में करनी पड़ेगी, अच्छा। तो फिर वहाँ से हम लोग काम स्टार्ट करेंगे और फिर आपको ड्राइंग पूरे रिलीज की जाएगी, और उसके 25% सर कितना, अब प्रोजेक्ट वाइज डिपेंड करता है, 25% आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मुझे तो नहीं पता ना आप क्या प्रोजेक्ट, 30,000 रुपये की आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, 30,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग ड्राइंग का काम स्टार्ट करेंगे, अच्छा उसके बाद में आप स्टार्ट करेंगे ड्राइंग का काम स्टार्ट करेंगे, पहले आपको 30,000 पेमेंट करना, तो सर मतलब आपके ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं क्या, मतलब जो आपको शेयर कर सकता हूँ, मतलब किस तरह से आपने YouTube चैनल पे भी मेरे कुछ वीडियो प्रोजेक्ट देखे होंगे और उसके प्रेजेंटेशन ड्राइंग वगैरह भी हमारे पास बनेंगे, हाँ सर YouTube ठीक है पर ऐसी सामने बात करना और YouTube में अलग बात, अभी ये रिसेंटली हम लोगों ने एक फ्लोर प्लान बनाया हुआ है, ये एक्चुअली वन एंड ओनली प्रोजेक्ट, तो इसका फ्लोर प्लान फर्नीचर प्लान यहाँ पे बना हुआ है, जिससे एक्चुअली क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो ग्राउंड फ्लोर में 2 बेडरूम एक किचन और एक अटैच टॉयलेट एक कॉमन टॉयलेट का था, और बाहर के साइड से यहाँ पे स्टेयरकेस दिया हुआ है, तो ये एक्चुअली कॉर्नर प्लॉट था, और ऊपर में उन्होंने एक ऑफिस रूम बनाया हुआ है और एक मास्टर बेडरूम बनाया हुआ है, तो ऐसा उन्होंने उनका जो प्रपोजल था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उनको ड्राइंग दिया था, तो सबसे पहले आपको इस तरह का ड्राइंग मिलेगा इसमें, अच्छा ये ड्राइंग जैसे तो मतलब होता सर है तो पहले आप ऐसी कुछ ड्राइंग बनाओगे जिसमें रूम और क्या कुछ तो भी बॉक्स जैसा दिख रहा है, ये बेड है यहाँ पे, अच्छा बेड है क्या यहाँ पे, पूरा फर्नीचर के साथ में पूरा ड्राइंग बना हुआ है, ये सोफा होगा, ये सोफा या सेंटर टेबल, यहाँ पे टीवी आपका आ गया, ये आपका डाइनिंग आ गया, यहाँ से एंट्री कहाँ पे होंगी, क्या क्या चीजें सारी की सारी चीजें डिटेल में इसमें दी रही है, मतलब फर्नीचर कहाँ कैसी अरेंज करना है, क्योंकि कैसा है कि लोग वॉल पोजीशन तो डाल के दे देते हैं बट क्या है फर्नीचर का जैसे पोजीशन डालते तो आपको समझ में आता है कि उस रूम की प्लानिंग कैसे हुई है करके, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में पूरा का पूरा आपको ड्राइंग मिलेगा इसमें, अब इसके बाद में अगर आपको कुछ चीजें नहीं पसंद आ रही तो उसको हम लोग अपडेट करके भी आपको चेंज करके देंगे, मतलब जब फाइनल होगा तभी आपको उसका आगे का मिलेगा, तो पहली प्रोसेस रहेंगे कि आपको तो एडवांस पेमेंट करें, हाँ पहले एडवांस पेमेंट लेंगे, आप इस टाइप की कुछ ड्राइंग बनाएंगे वो इसके बाद में बनेंगे, ठीक है ना, तो इसके साथ साथ सिर्फ ड्राइंग मिलेंगे मुझे प्लानिंग, मतलब इसके अलावा भी बाकी ड्राइंग भी मिलेंगे इसके, ये जैसे आपका फाइनल हो जाता है तो इसके बाद में बाहर का एलिवेशन का डिजाइन मिलेगा, अच्छा बाहर से जो बिल्डिंग कैसी दिखेगी, आपकी बिल्डिंग कैसे दिखेंगी करके, तो सर ये एक ही ऑप्शन मतलब ये आपको जब तक आपको पसंद नहीं आ जाता तब तक ये ड्राइंग बनेगी, अच्छा अगर आप अभी तो मैंने मेरे साइड से बना के बता दिया, हाँ। आपकी कुछ सजेशन या फिर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो उसको हम लोग अपडेट करके देंगे, हाँ। अपडेट होने के बाद जब वो फाइनल होगा तब जाके फिर बाहर का 3D का एलिवेशन बनेगा, अच्छा पहले प्लान फाइनल होगा, पहले प्लान फाइनल होगा, फिर प्लान फाइनल हो गया 3D बन गया,
फिर बाद में इसकी वर्किंग ड्राइंग्स बनेगी। वर्किंग ड्राइंग में आपका जो सेंटर लाइन प्लेन स्लैब ड्राइंग आपका ब्रिक वॉल का प्लान ये सारे ड्राइंग बाद में बनेंगे। तो सर फिर उसके बाद की पेमेंट किस हिसाब से देना पड़ेगा आपको? उसकी फिर मैं स्टेज वाइज आपको पेमेंट बता दूंगा। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन के जो स्टेज वाइज रहते हैं उसके अकॉर्डिंग पेमेंट लेते हैं। जैसे कि आपका जैसे आपका फाउंडेशन के टाइम पे आपको 15% पेमेंट करनी है, उसके ऊपर में अगर आप सपोज आरसी का काम कर रहे हैं तो लिंटल लेवल पे आपको 15% पेमेंट करनी है, स्लैब लेवल पे 15%, और फिर जब जुड़ाई आपका स्टार्ट होगा ब्रिकवर्क होगा तब आपको 20% का पेमेंट करना है, और जब प्लास्टर वगैरह सब हो जाता है तो उसके बाद में आपको बैलेंस पेमेंट करना बैलेंस। तो सर ऐसे आपकी वीकली विजिट्स भी होते रहेंगे इसमें? वीकली विजिट भी। अच्छा। तो सर मैंने मेरे फ्रेंड थे उन्होंने भी ऐसे इंजीनियर आर्किटेक्ट हायर किए थे, तो उनकी इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था कि कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट ले चुका था और इंजीनियर ने ध्यान दिया नहीं कुछ कि कितना पेमेंट जा रहा है क्या जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने एक्सेस पेमेंट ले लिया और फिर काम डिले करना स्टार्ट कर दिया और फिर काम छोड़ भी दे दिया, छोड़ दिया काम उसने फिर। और फिर इंजीनियर बोलते यार अब दूसरा ठेकेदार भेजता वो छोड़ दिया तो वो 3 लाख रुपये बोल रहा था, एक छोटा सा एक ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर बना रहा था। अब जो नया ठेकेदार वो बता रहे हो 3.5 लाख बता रहा, अब ऑलरेडी हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया। आपने पहले ठेकेदार के साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनाया था? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं, बस वो उसने अपना कोटेशन दिया था उस पर आर्किटेक्ट की साइन थी और हमारी घर मालक की साइन थी, एग्रीमेंट का कुछ वो। ये चीज़ गलत है, आप अगर सपोज किसी के साथ में कुछ काम कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनाइए, क्योंकि अगर आप बिना कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के आप कुछ भी बना रहे हो तो वो लीगल चीज़ नहीं है। आज अगर सपोज उसकी डेट में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बना लिया रहता तो आपके पास एक लीगल प्रूफ होता कि आपने इस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, अब अगर है वो स्टैम्प पेपर में है पर अब सर कैसा है कि अब वो है तो अभी वो कोर्ट मैटर मतलब पीछे जाना पड़ेगा, मतलब जाना ही पड़ेगा ना वो तो, पर इसका सोल्यूशन क्या है मतलब इस चीज़ों पे ना पड़ा जाए इसका? इसके लिए आप सबसे पहले कभी भी जो आपका आर्किटेक्ट या फिर जो भी आपका कंसल्टेंट रहता है उससे लेबर लोगों की एक स्टेज वाइज पेमेंट पहले आप शेड्यूल बनवा, मतलब गलती हो गई होंगी उससे शायद मेरे फ्रेंड से, उन्होंने बिना आर्किटेक्ट का भी काम था कि उन्होंने पहले स्टेज वाइज पेमेंट पहले बता देना चाहिए था कि ठीक है ये किसी भी वेंडर को आपको किस स्टेज पे कितना पेमेंट पे करना है करके। अच्छा अच्छा, अब वो का जब उतना काम हो जाता है तो होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल से पब्लिक को क्या पता रहता है तो कि किसी इंजीनियर आर्किटेक्ट के पास जाता है ना, ये चीज गलती होती है ना, क्योंकि कैसे एक कंसल्टेंट का काम क्या है प्रॉपरली उस बिल्डिंग को प्रॉपरली मॉनिटर करना। अब अगर सपोज ये सारा काम एक कंसल्टेंट का है, क्योंकि कैसे क्लाइंट को तो नहीं पता है, वो तो घर एक ही बार बना रहा है, पर जो कंसल्टेंट रहता है उसका तो काम ही घर बनाना, उसे पता रहता है कि साइड पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है करके, तो उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे जो वेंडर रहते हैं ना उनके किस स्टेज पे उनको कितना पैसा देना है। अच्छा, और जब अच्छा। वो स्टेज हो जाती है तब खुद जाके चेक करना कि इतना काम हुआ है या नहीं हुआ है करके प्रॉपरली, और उसके बाद में फिर क्लाइंट उनको बोलना कि आप उनका पेमेंट रिलीज करिए करके, ये सबसे बेस्ट वे होता है। सर मतलब आपकी कोई पहचान के ठेकेदार वगैरह कुछ जिनसे बात? मेरे कॉन्टैक्ट में मेरे कुछ वेंडर्स हैं जो मतलब काफ़ी सालों से मेरे साथ कनेक्शन में है और मैं रेगुलर उनसे काम करवाते रहता हूं। क्या क्या प्राइस होगा सर उनका? डिपेंड करता है, बंगलों के लिए अलग चार्जेस रहते हैं, अगर सपोज कुछ अपार्टमेंटल स्कीम है तो उसका अलग। जैसे कि मेरा घर तो आपको बता दिया 30x50 का है और जी प्लस वन का कुछ रहेगा, तो मतलब क्या सर एस्टिमेट अंदाजा, बाकी तो वो एक पकड़ के चलिए कि आपके अगर 3000 स्क्वायर फीट का आपका स्लैब बनेगा तो उस हिसाब से एक उनका जो लेबर पेमेंट वो 10 लाख तक जाएगा। 10 लाख तक के पेमेंट जाएगा एवरेज जाएगा वो। मैं तो सर, अगर वो उन्होंने उस काम हिसाब से काम किया है या नहीं किया तो आप चेक करेंगे कि उनका बिल सारा का सारा काम चेक करना मेरा काम, अगर आप मुझे एज एन कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं तो वहाँ पे सारी तो ये आपकी जो 4% है इसमें सब पूरा कवर हो जाएगा। कंसल्टेंट मैं आपको सर्विस दूंगा, मतलब बिल विल चेक करना, बिल वगैरह चेक करना, उनका काम चेक करना वगैरह, काम वगैरह सब कुछ चेक करना, वो मेरे साइड विजिट का। और कल जाके कुछ उसने गड़बड़ किया हो कैसा रहता है उस चीज के लिए? एग्जैक्टली मैं रिस्पॉन्सिबल, मैं सिर्फ काम क्या करूंगा कि वो काम प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा, और उस हिसाब से इसके लिए मतलब क्या सोल्यूशन है, मतलब कि उसकी चीज की गारंटी, ये सारा का सारा खेल कैसे ट्रस्ट करता है दूसरे। आप कोई भी किसी के साथ भी काम करो तो आप एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट पहले बनाइए, जब तक एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं बन जाता तब तक आप सामने उनको फिर किस बेस पे ट्रस्ट करोगे? अच्छा बराबर, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सारे मतलब पहले से क्लियर करके रखना पड़ेगा पहले, मतलब सीधी सीधी बात यह है कि जिन्होंने काम कर चुके हैं उन किए हुए कामों को एक बार देख लेना पड़ेगा। ओके, और उस हिसाब से जैसे ठेकेदार ने अगर काम किया है और किस हिसाब से किया है
तो उसके काम अगर देखने का आपको तब पता चलता है तो पता चल जाए ये इंसान ट्रस्ट वाला है, बंदा है या नहीं है। नहीं तो बस नाम बड़े दर्शन छोटे। आजकल तो लोग मक्खन जैसी बातें करते हैं पर जब काम चालू होता तो ऐसी गर्दन पकड़ते कि सांस भी ले नहीं सकते इंसान। ऐसा हुआ है मेरे दोस्तों के साथ। नहीं अब कैसे देखे, मार्केट में कुछ अच्छे लोग भी है कुछ बुरे लोग भी है। तो सर इसमें मतलब एक ही ठेकेदार सब करेगा? मतलब देखिए सिविल का काम एक सिविल मतलब करेगा आपको। सिविल मतलब आपका जो लोहा जुड़ाई प्लास्टर कंक्रीट ये सब जो काम है वो सब ठेकेदार का काम है। स्लैब तक का जुड़ाई प्लास्टर का तक का काम ठेकेदार करेंगे। बाद में इलेक्ट्रिक के काम के लिए इलेक्ट्रिशियन रहेगा, प्लम्बिंग के काम के लिए प्लम्बिंग वाला रहेगा, आपका टाइल्स का जो काम रहेगा उसके लिए टाइल्स वाला रहेगा। अच्छा तो वो सबका अलग से सेंटर आपका अलग होगा, आपका विंडो बनाने वाला अलग रहेगा, फैब्रिकेटर आपका लोहे का या फिर एसएस का जो काम है वो फैब्रिकेटर करेंगे। अच्छा मतलब लोहे का मतलब सब आपके अलग अलग सब कामों के अलग अलग टीम आपको टाइम टू टाइम बताएंगे कि किस मैं आपको गाइड करूंगा बट उसके अलावा बाकी आपको सिलेक्ट करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपको बता दूंगा कि इस बंदे का काम अच्छा है नहीं सर आप बट उसको फाइनल करना वो कैसे जो भी बताएंगे अच्छा ही बताएंगे। बाकी हम कलर वगैरह हम तो फिर जैसा लगे हम देखेंगे वैसा। ओके तो ऐसा है सर है ना उनका 10 लाख 25 लाख। हाँ सर मैं एक क्वेश्चन पूछना था तो कोई सेंक्शनिंग ड्राइंग की जरूरत पड़ती है घर बनाने के लिए? हाँ जरूरत पड़ेगी ना आपको। आप अगर कोई भी घर बना रहे हो तो वो सबसे इम्पोर्टेंट उसका डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट के बेस पे आप लोन ले सकते हो जैसे आपने लोन हाँ हाँ सर आपने बोला था आपने आपको लोन लेना है करके। दूसरा वो आपके भी प्रॉपर्टी का एक पार्ट हो गया। अब फ्यूचर में आपको अगर सपोज उस घर के ऊपर में आपको लोन ले कुछ लोन उठाना है तो प्रॉपर्टी के लिए वो डॉक्यूमेंट आपको सैंक्शनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तब आपको सैंक्शन ड्राइंग में हम बनाएंगे वैसा घर बना। हाँ आपने जैसे भी बनाया उसके रूल के हिसाब से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। ठीक है ना सर रूल के हिसाब से ही बनाऊंगा मैं। और क्या फालतू इन फ्यूचर कोई चेंजेस नहीं उसमें ज़्यादा? देखिए छोटे मोटे चेंजेस कंसिडर है बट ट्राई करिए कि मेजर चेंजेस ना। मेजर सर नहीं जैसा है गवर्नमेंट जैसा बताती वैसा ही बनाऊंगा। okay. ज़्यादा कुछ उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन करूँगा नहीं। क्या एक बार इन्वेस्टमेंट करना है इन फ्यूचर कुछ गड़बड़ हो गया तो पैसे तो गए ना मेरे। एक तो लोन है अब लोन चुका दो तेरा और मेरी बिल्डिंग ही तोड़ दी है गवर्नमेंट ने आके। नहीं नहीं इतना चीज नहीं कुछ नहीं करेंगे हम। आप डोंट वरी आपको सारी चीज़ अच्छे से गाइड करने का मेरा काम है। आप एक बार विचार करिए और आपका जो भी डिसीजन होगा इसका इसमें इंक्लूडेड है क्या सर? नहीं उसका हम लोग अलग से चार्ज लेते हैं। कैसा है सर उसका? एक्चुअली ड्राइंग का चार्ज अलग रहता है और जो भी वहाँ पे प्रोसेस होंगी उसकी फीस अलग से रहेंगी। तो वो आप एक बार जैसे आपका फाइनल रहेंगे मुझे बता दीजिएगा मैं उसके हिसाब से आपको सजेस्ट कर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे सर इसके लिए? डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए नागपुर में आपका एनआईटी के अंडर में कि एनएमसी के अंडर में? मेरा सर एनआईटी के अंदर आता है शायद। ओके एनआईटी के अंदर। हाँ तो फिर आपको सैलरी लगेगा, आपको आरएल लेटर लगेगा, सिटी सर्वे लगेगा आपके लेटेस्ट में, देन आपको टैक्स रिसिप्ट, एक लेआउट मैप और एक हमारा बिल्डिंग बिल्डिंग प्लान हम लोग बनाएंगे और फॉर्म ए भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आखिरी पत्रिका आप बोल रहे हैं? आखिरी पत्रिका। अच्छा आखिरी पत्रिका सर आखिरी पत्रिका का अपडेट नहीं टाइम है लेटेस्ट मिल जाएगा उसके लिए उतना टाइम मिलेगा लेटेस्ट 3 मंथ का। ठीक है कितने देर दिनों में मिलेंगे सर ये? 45 डेज में। 45 डेज में तो अच्छा ठीक है सर। ठीक आपने आप हमारा मार्गदर्शन किया उसके लिए थैंक यू और आपका समय हमें देने के लिए भी थैंक यू सर। मैं घर वाले घर पे जाके डिस्कस करता हूँ अपने फैमिली के साथ। ठीक है और फिर नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ सर आपको। ठीक है सर थैंक यू।